हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेरी सॉल्वर। आई एम योर एजुकेटर सुरेंद्र सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रोनाउन। स्टूडेंट, आज की वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बोलना चाहूँगा कि वीडियो अगर आप देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले मैं ऑलरेडी आपकी वीडियो नाउन आपका कंप्लीट करा चुका हूँ, सिंटैक्स हो चुका है आपका, और रूट वर्ड की वीडियो अगर आपकी चल रही है अदर से, और आपका आर्टिकल भी हो चुका है। तो स्टूडेंट प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ इसका, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको वहाँ डेली करंट अफेयर मिलेगा और आपको डेली बुक है द हिंदू, जो भी करंट इन्फॉर्मेशन आती है आपकी वो आपको सबको आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं हम आज की वीडियो को स्टार्ट। जैसे स्टूडेंट आपका वर्ड है आपका प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन होता क्या है जब हम बात करें स्टूडेंट, तो ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेंट ऑफ ए नाउन। यानी कि जो वर्ड है, जो हम ऐसे वर्ड होते हैं कुछ जिनको हम नाम की जगह पर यानी कि एज नाम के जगह पर हमको हम यूज़ करते हैं, उनको आप प्रोनाउन यूज करते हैं। यानी कि प्रोनाउन मीन्स हुआ फॉर ए नाउन, यानी कि जो वर्ड होते हैं जिनको हम नाम की जगह यूज़ करते हैं उनको आप प्रोनाउन बोलते हैं। और इससे बेटर हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि सुरेंद्र इज़ ए हैंडसम बॉय, ही इज़ माई स्टूडेंट्स। स्टूडेंट यहाँ बात की गई है सुरेंद्र की, तो सुरेंद्र आपका क्या है, नाउन है, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है, और हैंडसम यहाँ हमने यूज़ किया गया, और बॉय भी आपका क्या है, आपका यहाँ पर नाउन है। लेकिन यहाँ बताया गया, यहाँ जो बात चल रही है स्टूडेंट वो आपकी सुरेंद्र के बारे में चल रही है, यानी कि सुरेंद्र ये हैंडसम बॉय है, सुरेंद्र इज़ माई स्टूडेंट। ये जो इज़ ही इज़ माई स्टूडेंट जो आपका वर्ड यूज़ किया गया है, ये जो क्वालिफिकेशन बता रहा है ये सुरेंद्र की बता रहा है, यानी कि यहाँ पर हमने ही जो यूज़ किया स्टूडेंट, ये आपका हमने, ये आपका जो वर्ड था यानी सुरेंद्र ये नाम था, और इस नाम की जगह पर ही हमने इस वर्ड यानी ही को यूज़ किया है। इसका मीन्स ये हो गया कि वह वर्ड जो हम नाम की जगह पर यूज़ करते हैं उनको आप प्रो नाउन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के, ना जो आपके प्रोनाउन यानी कि सर्व जो आपके सर्वनाम होते हैं वो उनके टाइप क्या क्या हैं। स्टूडेंट मैं इस वीडियो में इनके मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताऊंगा, और जो भी स्पेशल आपके जो रूल्स होते हैं आपको जैसे पता होगा मैं उन पर क्या होता है रूल मैं कन्वर्ट कर देता हूं जो भी मेन पॉइंट होते हैं, तो आप वीडियो को फुल बहुत शेयर कीजिएगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार। तो फर्स्ट स्टूडेंट आपका पर्सनल प्रोनाउन यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, आई मी वी अस यू ही हिम सी और हिट दे देयर। ये जो स्टूडेंट आपकी जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं एज सब्जेक्ट उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इनके जो भी ब्रीफ इनका जो एक्सप्लेन होगा मैं इसमें आगे बताऊंगा जो इनके रूल्स रहते हैं उनके यहाँ पर, तो यहाँ पर हम शॉर्ट इनके बारे में बस जानेंगे ये होते क्या हैं, और इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि इनका हम यूज़ क्या करेंगे और इनका जो भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम वहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट आपका पसेसिव, पसेसिव माइन आवर योर हिज हर्स है, यानी स्टूडेंट ये आपकी जो प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट की जगह पर हम यूज़ करेंगे, ये क्या है आपके अधिकार सूचक होते हैं, ये आपको अधिकार दिखाते हैं। जैसे अगर हम बात करें जैसे कि दिस इज माइन पेन, यह पेन मेरा है, तो ये अधिकार मैं क्या दिखा रहा हूँ, दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ क्या है स्टूडेंट माई क्या बता रहा है, यह अधिकार दिखा रहा है, पसे से दिखा रहा है कि यह किताब मेरी ही है। नेक्स्ट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस दीट दीज दो सस तस्म, ये होते हैं संकेतवाचक, ये यूज किया जाते हैं स्टूडेंट किसी चीज़ को हम बताते हैं, जैसे कि दिस इज़ माई फैन, दोज वे आर माई स्टूडेंट, तो ये आपके क्या होते हैं संकेतवाचक होते हैं, ये संकेत बताते हैं। नेक्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ये व्यक्तिवाचक होते हैं स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन यानी इच आइदर नाइदर। नेक्स्ट आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इच अदर एंड वन अदर, पारस्परिक संबंध जो दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ और वन सेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्स होते हैं यानी निजवाचकता। नेक्स्ट आपके इम्फेटिक और इम्फ्लाइजिंग इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, ये होते हैं दबाव, किसी चीज़ को दबा करके, जैसे हम बात करें आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, यहाँ क्या है स्टूडेंट, ये दबाव दे रहा खुद पर कि हाँ भाई मैं खुद से करता हूँ। जैसे कि इसमें आते हैं आपकी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। आवर सेल्फ का यूज़ जब सब्जेक्ट को हम दबाव डालते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है, ये एम्फेसाइज या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाते हैं, अर्थात इनका वो इनका यूज सामान्य तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। स्टूडेंट ये जो होते हैं ये हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं, जैसे कि ही हिमसेल्फ कम हेयर, यहाँ क्या है स्टूडेंट, उसने ये अगर हम बात करते केवल ही कम्स हेयर तो वह यहाँ आ रहा है, ठीक है, हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ पर इसका हमने इसका प्रोनाउन यूज कर लिया है ही हिमसेल्फ, यानी कि वह खुद यहाँ आ रहा है, तो यहाँ क्या है उसने खुद पर दबाव डाल दिया कि वह यहाँ खुद आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सेम, एनी, वॉट, एनोदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये स्टूडेंट आपके होते हैं अनिश्चित बात है, किसी चीज़ को इनसे क्या होता है, कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच, दैट, ये स्टूडेंट होते हैं आपके संबंधवाचक। 10 नंबर पर आप स्टूडेंट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये जो आपके इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट ये यूज़ किए जाते हैं आपके फॉर, जब हम किसी कोई भी क्वेश्चन पुट ऑफ करते हैं तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आपका एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, ये होता है आपका व्हाट, व्हाट का यूज़ हम सेंटेंस में सरप्राइज यानी कि हम आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पर इसको हम एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक तो सिर्फ मैंने आपको बताया था इनके क्या टाइप होते हैं, उन्हें टाइप के अंदर कौन कौन से आपके जो प्रोनाउंस हैं वो आपके यहाँ पर प्रोनाउन आएंगे। अब हम बात करेंगे करेंट यूज ऑफ प्रोनाउन, तो आज की जो फर्स्ट वर्ड ये हमने यहाँ स्टार्ट किया है पर्सनल प्रोनाउन से, और उसका रूल है आपका फर्स्ट। स्टूडेंट वीडियो को फुल वॉच किया करें, अगर आपको कोई भी डाउट होता है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी रूल को समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो आज की फर्स्ट रूल है क्लास का, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है क्योंकि लेट ट्रांजिटिव वर्ब है। स्टूडेंट बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट केस क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट केस होता है जो हम सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है उसको हम ऑब्जेक्ट केस कहते हैं, यानी लेट के तुरंत। लेट क्या होता है स्टूडेंट, आपकी ये ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके तुरंत बाद हमने हिम को यूज़ किया है, यानी हिम क्या है आपका ऑब्जेक्ट केस होता, नहीं जो वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट की यानी कि कर्ता सॉरी कर्म की जो क्वालिफिकेशन बताती है। लेट हिम गो, अगर हम बोलते लेट को तो जान दो, हिम यहाँ हमने यूज़ कर दिया तो ये आपका क्या स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट केस में यूज़ किया यानी कि कर्मवाचक बन गया यहाँ पर आपका, और लेट ही गो तो ये आपका गलत है, ये सब्जेक्ट केस में हमें इसको यूज़ नहीं करना, इसको हमें ऑब्जेक्टिव केस में यानी कि ये हमने नॉमिनेटिव केस में यूज़ किया, नॉमिनेटिव केस में आपको इसे यूज नहीं करना, इसको यूज़ करना है आपको स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव केस में। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल दिया लेट यू एंड हर गो, यानी उसे और तुमको जाने दो, यहाँ इसने लेट यू एंड सी गो, तो स्टूडेंट यहाँ इसने क्या है इसे नॉमिनेटिव केस में यूज़ किया, इसलिए आपका ये गलत हो गया और ये आपका सही हो गया आपका। नेक्स्ट रूल है इसमें कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन का यूज होगा ना कि नॉमिनेटिव केस। स्टूडेंट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट केस की कि आपको ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, ऑब्जेक्ट केस होता है स्टूडेंट जिसमें वर्ब आपकी ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म के बारे में बताती है, और नॉमिनेटिव केस वो होता है जिसमें वर्ब आपकी सब्जेक्ट के बारे में बताए, यानी इसमें सब्जेक्ट मैन होता है स्टूडेंट। तो यहाँ प्रपोजिशन के बाद क्या है हम ऑब्जेक्ट केस यानी कि कर्ता का हम यूज़ करते हैं ना कि सब्जेक्ट का। तो यहाँ बताया गया आपका राम लाफ एट यू एंड मी,
तो स्टूडेंट अभी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो यहाँ मैंने आपको नॉमिनेटिव केस में ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ही आपका नॉमिनेटिव केस में होता है और मी जो होता है ये आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए आपका सही हो जाएगा लेकिन वाला आपका गलत हो जाएगा। डिवाइडेड दीज मैंगोज बिटवीन हर एंड मी, ऐसे ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ हमने इसको सब्जेक्ट केस में यूज कर दिया है लेकिन हमको यूज करना है इसमें ऑब्जेक्ट केस, यानी कि अगर कोई हम प्रपोजिशन क्या है स्टूडेंट आपका बिटवीन है और बिटवीन के बाद हमने यहाँ यूज किया है हर एंड मी, ऐसे यहाँ आपका प्रपोजिशन है एट, एट के बाद यू एंड एम एंड मी, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जीरेन मैन वर्ब आई एन जी के बाद ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन का यूज होता है, यानी कि स्टूडेंट जीरेन होता है आपका कोई भी जो वर्ब होती है, जो हम वर्ब क्या होता है जो हम काम करते हैं उसके बारे में जो हमें बताती है, उसके साथ अगर हम आई एन जी का यूज़ करते हैं यानी, तो उसके बाद क्या है हम ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, जैसे टॉकिंग हर वॉज नॉट प्लीजेंट। स्टूडेंट यहाँ टॉक के बाद हमने आई एन जी लगाया इसलिए आपका जीरेन फॉर्म बन गया और हर क्या बन गया स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट केस। अगर हम यहाँ पर सी यूज़ करते तो सी आपका होता नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट केस, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, हम जीरेन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस का ही यूज़ करते हैं, इसलिए आपका सही हो जाएगा और नीचे वाला स्टूडेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो आपका सी यूज़ किया है ये हमने यूज़ किया यहाँ पर नॉमिनेटिव केस जो कि आपका गलत है। लेकिन यहाँ बताया गया इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है, यहाँ स्टूडेंट इन्फिनेटिव क्या होता है जीरेन में क्या है आई एन जी लगता है लेकिन टू प्लस इन्फिनेटिव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई रिक्वेस्टेड हर टू कम हियर, मैंने उसको क्या किया स्टूडेंट उससे विनती की कि यहाँ पर आप आ जाओ, तो यहाँ हमने जो हर यूज़ किया है स्टूडेंट ये आपका ऑब्जेक्ट केस होता है और सी हमने यहाँ सब्जेक्ट केस किया है इसलिए आपका गलत हो जाएगा और ऊपर वाला आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल में बताया गया स्टूडेंट एज और देन के बाद नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का होता है, नॉमिनेटिव केस क्या होता है स्टूडेंट जो सब्जेक्ट केस होता है उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, इसमें आई वी यू दे ही सी इट दे, तो इस तरीके से जो होते हैं आपके नॉमिनेटिव केस में होते हैं तो इन्हीं के प्रोनाउन का हम यूज़ करते हैं किसके बाद एज और देन के बाद, जैसे राम इज एज फास्ट एज आई, ठीक है स्टूडेंट यहाँ हमने क्या किया है कि यहाँ एज यूज़ किया गया है और एज के बाद तुरंत हमें करना है नॉमिनेटिव केस यानी कि आई जो कि आपका सही है, आई होता है इसके पे मान लो या वी होता है यू होता दे होता ही होता सी होता इट होता देयर होता, तो ये सब क्या आपके नॉमिनेटिव केस में होते हैं और यहाँ हमने मी जो यूज़ किया था स्टूडेंट ये आपका ऑब्जेक्ट केस में इसलिए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल आपके स्टूडेंट तीनों पर्सन के प्रोनाउंस का यूज़ अगर हमें एक साथ करना हो तो हम 231 के नियम को यानी उसको हम सीक्वेंस को क्या करते हैं स्टूडेंट फॉलो करते हैं। अब आपको बताएंगे कि हम 231 का नियम क्या होता है स्टूडेंट कि 231 का मीन्स हो गया टू मीन्स होता है सेकेंड पर्सन, थ्री मीन्स होता है थर्ड पर्सन और फर्स्ट मीन्स होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है स्टूडेंट उसमें आपका केवल आई आता है सिंगुलर में और सेकंड में आपका यू आता है और थर्ड में आता है आपका ही सी और नाउन, कोई भी नाउन जो होती है वो आपकी थर्ड में आती है स्टूडेंट। जब हम बात करेंगे स्टूडेंट तीनों पर्सन के प्रोनाउन को हमें एक साथ यूज करना हो तो हम 231 का यूज करेंगे, यानी कि पहले हमको सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू को लाना है, उसके बाद हमें ही सी या नाउन में इसको यूज़ करना है और लास्ट में यूज़ करना है आपको आई को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बड़े आसानी से आपकी समझ में आएगा, जैसे यू ही एंड आई गो देयर। स्टूडेंट मैंने भी आपको बताया था अगर आपको मान लो अगर कोई भी सब्जेक्ट ढूंढने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि हमें कैसे यूज़ करना है तो आप उनकी नंबरिंग कर सकते हो, अगर कहीं भी आपका अगर 231 का नेम अगर फॉलो करता है तो आप उसको वहाँ पर सही टिक कर दोगे यानी कि आपका आंसर सही हो जाएगा। जैसे यू आता है आपका सेकेंड पर्सन में आता है, ही आपका थर्ड पर्सन में आता है और आई आपका वन में आता है, और आपको फॉलो कौन सा रूल करना है 231 का, यानी कि आपका 231 वाला फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। सेकंड में यू आई एंड ही गो देयर, मैं यानी तुम मैं और वह कहाँ गए वहाँ गए, तो यहाँ मैं अगर नंबरिंग की तो इसका 213 आया जो कि आपका गलत होगा स्टूडेंट, यहाँ 321 आ रहा है ये भी आपका गलत होगा और यहाँ पर 123 आ रहा है स्टूडेंट ये भी आपका गलत होगा, यानी कि अगर हम तीनों पर्सन यानी तीनों जो
पर्सन हो, तो उनके अगर हम प्रोनाउन के एक साथ यूज करेंगे तो स्टैंड आपका 231 का नेम फॉलो होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें कहीं भी मान लो अगर अभी तो अब तीन का तो कर लिया, अगर मान लो सर अगर कहीं दो आ जाते हैं तो कैसे फॉलो करेंगे, लेकिन अगर हम दो पर्सन के प्रोनाउन का अगर यूज़ एक साथ करते हैं तो स्टूडेंट वहाँ पर हम 2, 3, 2, 1 और 3, 1 यानी कि 23, 21 और 31 के सीक्वेंस को हमें क्या करना है स्टूडेंट फॉलो करना है। अगर हमें तीनों का एक साथ यूज़ करना है तो स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं 231, अगर हमें दो का यूज़ करना हो तो हम 23, 21 और 31, ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि 23 में से 2 का 21 और 10 जोड़ देंगे तो आप 31, यानी 2 और 1 का यहाँ सीक्वेंस आ रहा है, तो हमें 23, 21 और 31। जैसे हाँ आपका बताया गया यू एंड आई स्टडी एयर, यानी कि तुम और मैं स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं आपस में, दो सब्जेक्ट हैं यानी यू एंड आई। तो ये जो सीक्वेंस है आपका किस सीक्वेंस का है स्टूडेंट, 2, 1 का यानी 21, तो ये आपका हो जाएगा सही। यहाँ बताया गया ही एंड यू वेंट टू कॉलेज, यानी कि तुम सॉरी वह और तुम कहाँ गए, कॉलेज गए, तो स्टूडेंट ये यूज किया जा रहा है 32, और हमको यूज करना है सीक्वेंस किसका 31 का, तो ये इसलिए आपका हो जाएगा रॉ। नेक्स्ट आपका यू एंड ही रीड द गीता, यानी कि तुम एंड वह क्या करता है स्टूडेंट, गीता पढ़ता है, सीक्वेंस कितने का बन रहा है 2, 3 का, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सही। और चौथे एग्जाम्पल में बताया गया डी में ही एंड यू वेंट टू कॉलेज, यानी कि वह एंड तुम कहाँ गए कॉलेज, तो ये भी स्टूडेंट आपका गलत हो जाएगा, उसी के अनुसार आपको 32 का और हमको यूज़ करना है 31, 21 और 23 को। यहाँ बताया गया आई एंड यू स्टडी एयर, तो ये भी स्टूडेंट आप गलत हो जाएगा, आई एंड ही रीड द गीता, ये भी स्टूडेंट आप गलत हो जाएगा, 13 का तो हमें यूज़ करना नहीं होता है, यानी 21, 31 और 23 को यूज़ करना होता है। यहाँ बताया गया ही एंड आई रीड गीता, यानी कि वह एंड मैं क्या करते हैं गीता पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट ये आपका या सीक्वेंस 3, 1 का, तो इसलिए आपका सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, अगर तीनों को यूज़ करना है 2 से 31, अगर बाकी अगर हमको यूज़ करना है तो 23, 21 और 31 तो आपको याद हो जाएगा, और 23 भी आपको याद कर लेना है इस तरीके से। लेकिन इसमें बताया गया स्टूडेंट कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन का यूज़ अगर हमको एक साथ मान लो एक साथ तो यूज करेंगे, लेकिन भूल दोष पाप अपराध, यानी मान लो कोई भी फॉरगेट यानी कि गिल्टीपन होता है, या अगर आपने कोई भी क्रिमिनल किया है, यानी कोई हम अगर कोई बैड सेंस अगर बात करते हैं, हम अगर एक बार में अगर हम किसी का भी तीनों का अगर हम किसी बैड सेंस में अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम 1, 2, 3 का सीक्वेंस फॉलो करते हैं स्टूडेंट। अब इससे पहले जो हमने बताया था 2, 3, 1 का, तो हम तीनों को एक साथ यूज़ करते हैं। अगर मान लो अगर हमें तीनों पर्सन कहीं यूज़ किए दिए हों और हमें उनसे महसूस हो, यानी अगर हमको लगता है अगर उनका अगर उससे हम समझे कि इनका जो यूज़ किया गया किसी बैड सेंस में, यानी यहाँ पर ये जो यूज़ किया इनसे कोई गलती या कोई अपराध या दोष हुआ है, तो वहाँ पर स्टूडेंट हम 1, 2, 3 का सीक्वेंस फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि यू आई एंड ही आर क्रिमिनल्स, यानी कि तुम मैं और वह क्या स्टूडेंट क्रिमिनल हैं। तो जब हम बात करें इसे नहीं समझ पा रहे, तो जब हम बात करते हैं मान लो कि अगर कोई गलत काम होता है तो पहले हम जिम्मेदारी किसके ऊपर लेते हैं, अपने ऊपर लेते हैं ना कि भैया जो गलत काम किया है वो मैंने किया है, तुमने किया है और उसने किया है, यानी कि आई आएगा पहले यानी खुदा हो गए तुम, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा और उसके बाद जो थर्ड पर्सन बचेगा आप उसको लोगे, यानी कि ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा स्टूडेंट सही और ये हो जाएगा आप गलत। 1, 2, 3 को कैसे याद करना है स्टूडेंट, अगर हम कहीं गलती करते हैं तो पहले हम खुद को लाएंगे, जब दूसरे को लाएंगे और जब लाएंगे हम तीसरे को, इससे भी आप बेटर तरीके से आप याद कर सकते हो। पढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि दो पर्सन के प्रोनाउन का अगर यूज हम एक साथ पाप अपराध भूल दोष यानी कि बैड सेंस में, अभी मैंने इससे पहले बताया था अगर हम तीनों का अगर यूज़ करते हैं किसमें बैड सेंस में, तो हम वहाँ 1, 2, 3 का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम मान लीजिए अगर आपको दो ही सब यानी कि दो प्रोनाउन यानी दो पर्सन के प्रोनाउन है अगर आपको यूज़ करना हो, तो उसका जो सीक्वेंस होता है वो स्टूडेंट होता है 12, 13 एंड 23, यानी 12, 13 और 23। 13 को तो आप वैसे भी याद कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी ये बैड सेंस में होता है, 23 भी इस तरीके से हो गया बैड सेंस में, और 12 भी आप मान लीजिए 11 से ऊपर जाइए भी बैड सेंस में। तो ये आपको सिर्फ याद करना है, किस तरीके से याद करना है वो आप पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। अगर हम तीनों को एक साथ यूज़ करते हैं बैड सेंस में 1, 2, 3 यूज़ करेंगे, और अगर आपको
अगर दो पर्सन के नाम मतलब प्रोनाउन को यूज करना है तो 12, 30 एंड 23 के सीक्वेंस को लगाना है। बात करते हैं आई एंड यू आर गिल्टी। यहाँ स्टूडेंट बताया गया कि मैं और तुम कैसे हो अपराधी हैं, तो यहाँ क्या है 1 यानी कि 12 का सीक्वेंस फॉलो किया तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ बताया गया यू एंड आई आर गिल्टी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता भाई कि कोई कहे कि मैं मतलब तुमने गलती की है और मैंने की है, ये नहीं होता है भाई। जब गलती कर रहे हो तो पहले किसको एक्सेप्ट करोगे, आप खुद को एक्सेप्ट करोगे ना कि गलती में मैंने की है, तुमने की है और उसने की है। लेकिन यहाँ क्या बताया कि तुमने गलती की और मैंने की है, तो इसलिए गलत हो गया। 2-1 का तो सीक्वेंस क्या है अच्छे के लिए यूज करते हैं तो ये आपका हो जाएगा गलत। यह बताया गया कि आई एम ही आर गिल्टी यानी कि मैं और वो क्या है गिल्टी क्या है अपराधी हैं, तो ये स्टूडेंट आपका सही होगा क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि मैं तुम और उसने, तो यहाँ बात कर रहा है कि मैंने और उसने, इसमें तुम का तो आया नहीं तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। यानी वैसे भी आपका सीक्वेंस 13 का यूज़ करता है, 13 तो आपका वैसे भी रॉन्ग नंबर होता है एक तरीके से, हम बैड मानते हैं उसको। नेक्स्ट बताया गया ही एंड आई आर गिल्टी यानी कि वह और मैं क्या है गलत किया, तो स्टूडेंट ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कोई गलत काम करते हैं तो पहले हम खुद तुम और वो उसी के अकॉर्डिंग। आप बस ये चीज़ ध्यान रखो इसमें बैड सेंस वाले, अगर हम कोई भी गलती करते हैं तो पहले हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं, फिर दूसरे को मानते हैं, उसके बाद हम कोई तीसरा जो व्यक्ति होता है उसको मानते हैं। तो आपको फर्स्ट सेंस तो याद हो गए, सेकेंड में यू आता है, फर्स्ट में आई भी आते हैं और जो थर्ड होता है उसमें ही सीट और नाउन आता है। तो यहाँ बात कर रहा है उसने ही एंड आई आर गिल्टी, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा क्योंकि भाई वो गलती नहीं थोड़ी है, पहली गलती तो हमने की, अगर दो यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आपका स्टूडेंट गलत हो जाएगा। वैसे भी आपका सीक्वेंस 31 का आ रहा है, 31 का हम यूज़ नहीं करते, 31 तो हम यूज़ करते हैं उसमें जो सही वाला होता है, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है यू एंड ही आर गिल्टी यानी कि तुम और वो गलती है, तो ये आपका सही है स्टूडेंट क्योंकि 2-3 इसमें 1 तो आ ही नहीं रहा है तो 2-3 बचा तो हमने 2-3 को ले लिया, तो इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इसी में ही एंड यू आर गिल्टी यानी कि वह और तुम क्या हो गलती की है, नहीं क्योंकि पहले स्टूडेंट आपका आपका आता है 2 उसके बाद आता है आपका 3, तो इसीलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि आपको 12, 13 और 23 को अगर कहीं भी सीक्वेंस मिलता है तो वो आपका सही होगा 2 के लिए, और अगर 3 में है तो 3 के लिए स्टूडेंट आपको 1, 2, 3 का यूज़ करना होगा। पर्सनल स्टूडेंट आप खत्म हो गए इसमें। नेक्स्ट आपका बताया गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स क्या होता है व्यक्तिवाचक। इसमें हमने फर्स्ट रूल बनाया कि इसका यूज़ हम दो या दो में से अधिक व्यक्तियों की वस्तुओं के लिए करते हैं। स्टूडेंट इसका मीन्स हो गया जब हम कहीं भी इच का यूज़ करते हैं यानी प्रत्येक हम बात करेंगे दो या दो में से किसी एक के लिए, यानी कि दो या दो में से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट इच का यूज़ करते हैं। ईच ऑफ द टू गर्ल्स आर ब्यूटीफुल वॉज आएगा वॉज ब्यूटीफुल, यानी कि दो लड़कियों में से क्या है प्रत्येक सुंदर थी। जब हम बात कर रहे हैं कहाँ मतलब दो या दो में से अधिक व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए, तो वहाँ पर हम इच का यूज़ करते हैं। ईच ऑफ द फोर गर्ल्स वर ब्यूटिफुल यानी कि चारों लड़कियों में से प्रत्येक क्या स्टूडेंट सुंदर है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है यहाँ पर ईच ऑफ द के साथ हमने यहाँ पर इस तरीके से यूज किया गया। यहाँ पर हमने दो में से यहाँ पर क्या बता रहे हैं दो में से जो लड़कियाँ हैं वो कैसी हैं प्रत्येक लड़की सुंदर है, तो दो में से हमने दोनों की क्वालिटी बताई है, यहाँ चार में तो चार में से हमने सबकी क्वालिटी बताई, यानी कि दो या दो में से अधिक व्यक्तियों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं किसको स्टूडेंट इच को। जब हम बात करते हैं आइदर के यूज़ की तो दो में से किसी एक के, यानी इच में कर रहे हैं तो हम दोनों में से या दो में से अधिक के लिए, और इच आइदर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट दो में से कोई एक के लिए, ना कि दो से अधिक या व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, ठीक है। आइदर का आइदर ऑफ दीज टू पेन इज ब्लू यानी ये बता रहा है इन कलमों से ये जो पेन है या कलम है इनमें से कोई कैसा आपका स्टूडेंट नीला है, तो ये बता रहा है आपका क्या है दो में से किसी एक की क्वालिटी बता रहा है। यानी ईच ऑफ दीज यानी जितने भी पेन रखे हुए हैं उनमें से ये जो पेन है आपका ब्लू, उनमें से कोई एक पेन आपका सॉरी यहाँ वन आएगा वन पेन इज ब्लू। ऐसे यहाँ बताया गया ईच ऑफ
दीज थ्री पेन इज ब्लू, तो ये आपका स्टूडेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हम आइदर का यूज़ करते हैं दो में से एक के लिए करते हैं, और इच का जो यूज़ करते हैं हम दो या दो में से अधिक के लिए यूज़ करते हैं। जब हम बात करें लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं कोई एक के अर्थ में हो, तो वहाँ पर हम एनी और एनी वन का यूज़ करते हैं, ना कि आइदर का। स्टूडेंट ही हैज़ बॉट एनी एनी वन ऑफ द फाइव बुक्स, ये बता रहा है कि उसने बुक खरीदी कैसी, यानी कि ये बता रहा है दो से अधिक व्यक्तियों में से हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही हैज़ बॉट एनी वन ऑफ फाइव, यानी कि जो पांच बुक खरीदी है स्टूडेंट, और उसमें से क्या उसने एक बुक को रखता है, यानी उसके पास है, तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा, और यहाँ पर इसने आइदर का यूज़ कर दिया, ये आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट रूल बताया गया सुना आपका नाइदर, नाइदर का यूज़ करते हैं हम दो में से किसी के लिए भी नहीं, यानी दो में से कोई भी नहीं। इसका यूज़ कर रहे थे हम दो या दो से अधिक के लिए, आइदर का यूज़ किया था स्टूडेंट दो में से हमने एक के लिए, और नाइदर का यूज़ किया है हमने दो में से कोई भी नहीं, यानी कि दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, ना कि दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए। ये जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आपको बताया गया कि नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज लेबोरियस, यानी कि वो जो दोनों लड़कियाँ हैं उनमें से कोई भी आपकी मेहनती नहीं है, ये आपका सही है स्टूडेंट। यहाँ बताया नन ऑफ दीज टू गर्ल्स इज लेबोरियस, तो ये आपका स्टूडेंट गलत हो जाएगा। जब हम बात कर रहे होते हैं दो में से कोई भी एक नहीं, तो उसके लिए हम नाइदर का यूज़ करते हैं, ना कि नन का। पर हम बात करें लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से कोई भी नहीं के अर्थ में, स्टूडेंट अगर दो में से अगर हम बात कर रहे होते हैं तो हम केवल नाइदर का यूज़ करते हैं, अगर हम बात करें दो से भी अधिक और वहाँ से हमें किसी के लिए बात नहीं करनी, तो हम वह नन का यूज़ करते हैं। लेकिन नाइदर और नन का यूज़ हम एक दूसरे के बदले कभी भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम नाइदर का यूज़ करते हैं सिर्फ एक के लिए, और नन का यूज़ करते हैं ज़्यादा के लिए, एक से अधिक। जैसे यहाँ बताया गया आपको कि नन ऑफ द फाइव स्टूडेंट इज लेबोरियस, कि जो आपके जो पांच स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट उनमें से कोई भी आपका लेबोरियस नहीं है, यानी कि मेहनती नहीं है, इसलिए आपका ये सही है। और यहाँ बताया गया नाइदर ऑफ फाइव स्टूडेंट इज लेबोरियस, तो ये आपका गलत हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि हम जो नाइदर का यूज़ करते हैं वो दो में से एक के लिए भी नहीं यूज करते हैं, और नन का यूज़ करते हैं हम दो से अधिक के लिए। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल मीन्स होता है पारस्परिक संबंधवाचक, यानी कि जो एक दूसरे से आपका क्या है संबंध बताता है या रिलेशन बताए। यह बताया गया कि व्यक्तियों के लिए होता है, ईच अदर का यूज दो व्यक्तियों के लिए करते हैं स्टूडेंट, जो आपका ईच अदर होता है ये दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन एन अदर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट को दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए। अगर हम कहीं ईच अदर का यूज़ करेंगे तो दो या दो ओनली दो व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं या वस्तुओं के लिए, लेकिन अगर हम वन एन अदर का यूज़ करते हैं तो स्टूडेंट दो या दो से अधिक के लिए। जैसे यहाँ बताया गया है कि द टू बॉयज लव ईच अदर, यानी कि जो लड़के हैं वो एक दूसरे से क्या स्टूडेंट फ्रेम करते हैं, यानी ये केवल हमने मेंशन किए केवल दो बच्चों के बारे में, यानी दो लड़कों के बारे में बात की है कि द बॉय द टू बॉय लव इच अदर, लेकिन यहाँ बताया गया वी ऑल लव वन एंड अदर, तो स्टूडेंट यहाँ जो वन एंड अदर यूज़ किया गया ये यूज़ किया गया आपका दो से अधिक के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ एक नोट दे दिया गया स्टूडेंट आपका, इसमें बताया गया कि इच अदर या अन एंड अदर का यूज सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं होता स्टूडेंट। आपको ये तो आप समझ गए होंगे कि ईच अदर का यूज़ हम केवल दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करेंगे, लेकिन वन एंड अदर का हम दो या दो से अधिक के लिए करते हैं, लेकिन इसमें बताया कि वन एंड अदर और आपका ईच अदर का यूज़ हम कभी भी एज सब्जेक्ट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि ईच अदर आर रेडी टू गो देयर, ये बताया कि जो प्रत्येक में से जो वन है मतलब कोई भी है जो जाने के लिए क्या स्टूडेंट आपका तैयार है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने ईच को एज सब्जेक्ट यूज़ किया है, और हमने भी बताया कि ईच अदर और एन अदर को हमें एज सब्जेक्ट यूज़ नहीं करना होता है। यहाँ बताएगा दे आर रेडी टू गो देयर, तो स्टूडेंट ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ईच अदर और वन एन अदर की जगह पर हमें अगर सब्जेक्ट यूज़ करना हो तो वो हम दे को यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में आपको बताया कि वन एंड अदर वर रेडी टू कम हेयर, ठीक है, जो जो थे वो सब क्या है आने के लिए तैयार थे,
तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वन अनदर को एज सब्जेक्ट यूज़ नहीं करना है स्टूडेंट। इसकी जगह आपको सब्जेक्ट यूज़ करना हो तो वो आप दे को यूज़ करेंगे। तो ये थे स्टूडेंट इसी के नेम। अगला आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक। निजवाचक क्या होते हैं स्टूडेंट, ये नॉमिनेटिव केस के बारे में आपको बताएंगे, यानी खुद का अपने आप का ये क्या है अपना अधिकार दिखाते हैं, यानी इसका प्रभाव डालेगा। जैसे यहाँ मैंने ये टेबल बनाई गई, ये आपके नॉमिनेटिव में है, ये आपके करेक्ट रिफ्लेक्सिव हैं इनके, यानी निजी वाच के साथ जो निजी अपनी अपना अधिकार दिखाएंगे, और ये आपके इनकरेक्ट रिफ्लेक्स हैं, यानी इन आई के साथ अगर आप यूज़ करोगे तो वो स्टूडेंट आप माई सेल्फ का यूज़ करोगे, यानी खुद के लिए अपने के लिए, जैसे आई लव माई सेल्फ, आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, तो ये यहाँ आप माई यूज़ करोगे, लेकिन आप माई सेल्फ का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि स्टूडेंट ये आपका इनकरेक्ट रिफ्लेक्स है। आई का जो करेक्ट रिफ्लेक्स प्रोनाउन होता है वो आपका माई सेल्फ होता है। वी का स्टूडेंट आपका आवर सेल्फ होता है। ई का आपका हिमसेल्फ होता है। सी का आपका हर सेल्फ होता है। इट का स्टूडेंट आपका इट्स सेल्फ होता है। दे का देम स्लैब्स होता है। यू का स्टूडेंट आपका योर सेल्फ भी हो सकता है, और आपका योर स्लैब्स है। जब हम योर सेल्फ को यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट वो सिंगुलर के यूज़ करेंगे, और अगर हम योर स्लैब्स को यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल सेंस में यूज होगा। अब यहाँ बताया गया जैसे कि आई का स्टूडेंट अब माइन सेल्फ नहीं करते, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो आई का जो करेक्ट रिफ्लेक्स होता है वो होता है आपका माई सेल्फ। ऐसे वी का स्टूडेंट आपका आवर स्लैब्स होता है, ना कि ये आपके ये सब क्या स्टूडेंट आपकी ये जिधर वाली टेबल दी गई है ये सब आपके रॉन्ग दिए गए हैं, ठीक है। तो जो भी आपके राइट हैं ये आपको याद कर लेने कि आई के साथ हम माई सेल्फ यूज़ करेंगे अगर हम कहीं भी निजवाचकता दिखाते हैं यानी रिफ्लेक्सिव करते हैं, और बी का आवर सेल्फ, ई का हिम सेल्फ, सी का आवर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ, यू का योर सिंगुलर के लिए, और जो सेल्फ आपका प्लूरल के, ये तो आप इनके साथ यूज़ बिल्कुल भी कतई नहीं करने हैं। यहाँ बताया गया स्टूडेंट आपका कि मैस्कुलिन वर्ड, मैस्कुलिन कौन से वर्ड होते हैं स्टूडेंट, मैस्कुलिन होते हैं जिनसे आपको मेल सेक्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि सुरेंद्र ये किसी स्टूडेंट का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, राम है आपका, मुकेश, सुहास, द बॉय, फादर, ब्रदर, इनसे क्या स्टूडेंट आपको पता चल रहा है कि मेल सेक्स के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनके लिए जो आपका रिफ्लेक्स जो प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा वो स्टूडेंट आपका हिमसेल्फ यूज़ किया जाता है, क्योंकि ही जो यूज़ किया जाता है वो इस इनकी तरह थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में आपका नाम वगैरह आते हैं, नाउन वगैरह आते हैं, तो ये आपका इनके लिए हम हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें फेमिनाइन वर्ड्स, फीमेलाइन जो वर्ड होता है स्टूडेंट ये भी आपका आता थर्ड पर्सन में, सी, राधा, मदर, सिस्टर, ये क्या है आपके फीमेल, यानी फीमेल सेक्स के बारे में बता रहा है, तो इनको आप फीमेल जेंडर के वर्ड आते हैं, तो ये वर्ड्स होते हैं, तो इनके लिए आप हर सेल्फ यूज़ करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो फीमेल होता है वो आपका सी होता है, और सी के लिए हम हर सेल्फ यूज़ करते हैं, और ही के लिए हम हिम सेल्फ यूज़ करते हैं। बात करें हम कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर जैसे आपने पढ़ा था स्टूडेंट, इसमें क्या होता है ये ना तो मेल सेक्स को डेनोट करते हैं ना ही फीमेल सेक्स को डेनोट करते हैं, बट ये क्या होते हैं ये आपके कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि आपका द डॉक्टर है, द टीचर है, द इंजीनियर है, द बेबी है, तो ये क्या स्टूडेंट इनको हम सिंगुलर सेंस में यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप इनको हिमसेल्फ यूज़ करते हैं, तथा अगर हम प्लूरल सेंस में यूज़ करें तो हम देमसेल्फ होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हमें फीमेल के लिए यूज़ करना हो तो उसके लिए हर सेल्फ यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जब बात करते हैं हम आपके मैस्कुलिन जेंडर में तो वो आपकी नाउन जो होती है उसके लिए हम हिमसेल्फ यूज़ करेंगे, यानी ही के लिए हिमसेल्फ, और जो लेडीज होती हैं फीमेल यानी फीमेल के लिए हम सी यूज़ करते हैं, सी का होता है स्टूडेंट हर सेल्फ, और इसको आपको प्लूरल सेंस में यूज करना है तो आप दे का देम सेल्फ हो जाता है। लेकिन इसने बताया कि वन के लिए हम रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होता है वो वन सेल्फ का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो ही के लिए हिमसेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, और फॉर फीमेल के लिए आपको सी का हर सेल्फ, और वन के लिए स्टूडेंट आपको यूज करना है वन सेल्फ। नेक्स्ट बताया गया है कि आपका एवरीवन, समवन, एनीवन, नन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, कॉमन जेंडर के प्रोनाउंस इनडेफिनेट होते हैं स्टूडेंट।
ये जो आपके होते हैं अनिश्चयवाचक जो आपके प्रोनाउंस होते हैं, इनके लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का यूज़ किया जाता है, लेकिन फीमेल के साथ हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट वही है, अगर इनसे अगर हमको पता चलता है कि ये मेल सेक्स के बारे में बात की जा रही है तो वहाँ पर हम सेल्फ यूज़ कर लेंगे, अगर फीमेल की बात पता चलती है तो वहाँ पर हम हर सेल्फ का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया कि चाइल्ड इन्फेंट बेबी से मेल और फीमेल का पता नहीं चलता। ये स्टूडेंट आपके कुछ नाउन है, जैसे कि आपका चाइल्ड है, इन्फेंट है, बेबी है, तो इनसे आपको क्या है ये नहीं पता चल रहा है कि जो स्मॉल जो चाइल्ड है वो फेल है फीमेल है। जो इन्फेंट हो जाए, जो शिशु होता है, जो छोटा, उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते भाई ये मेल है फीमेल। लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति है मान लो, तो उसे देख कर हम बता देते हैं कि लड़का है या लड़की है छोटा सा। तो इस तरीके से आपके चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी, ये स्टूडेंट ये मेल और फीमेल का तो हमें पता चलता नहीं। तो इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो आपका इटसेल्फ होता है, तथा न्यूटर के लिए हम इट का यूज़ करते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव के लिए। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट पजेसिव एडजेक्टिव, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, मैंने आपको भी इससे जो पहली वीडियो बताई थी आपकी नाउन एंड द केस, उसमें बताया था मैंने आपको मैस्कुलिन और फीमेल और पजेसिव ऑपरेटिव ये केस होते हैं। ऐसे ही आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है, ये होते हैं स्टूडेंट आपकी जो अधिकार दिखाने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, यानी अधिकार विशेषण। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे स्टूडेंट वो इस यूज करेंगे, और न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या होता है ना तो मेल है ना फीमेल है, वर्ड क्या है वो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि आपको बुक है, पेन है, मोबाइल फ़ोन है, चेयर है। तो ये जो स्टूडेंट जो बेजान होती हैं उनके लिए आप इट का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ बताया गया आई और माई सेल्फ। तो यहाँ ये जो आपका जो माई सेल्फ यूज़ किया गया, ये स्टूडेंट किसकी बात कर रहा है, आई आई क्या है, मैंने खुद को क्या है यहाँ पर, ये आपका रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन था अभी मैंने जो बताया था उसके साथ हम माइंड सेल्फ यूज़ नहीं करना, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका सही है। जैसे था बेबी क्राइड इट सेल्फ, यहाँ ये क्या स्टूडेंट बताया गया है, अभी मैंने आपको बताया था ये इट सेल्फ जो होता है ये बताता है आपका रिफ्लेक्सिव। ये जो बेबी है उसका संबंध किससे है स्टूडेंट, वो रो रहा है, कौन रो रहा है, वो क्राइड रो, यानी कि इट सेल्फ वो खुद रो रहा है, यानी वो स्वयं रो रहा है, या मतलब इट वॉज ब्यूटिफुल। अगर हम बात करें केवल ओनली ब्यूटिफुल, ये क्या है, ये बहुत सुंदर है, वाज ब्यूटिफुल तो सुंदर था, इट यू यूज़ किया गया स्टूडेंट। ये यहाँ बात हम करें तो जैसे ये बात की जा रही है किसी सीनरी के लिए या कोई भी जो मनोरम जो दृश्य है उसके लिए यूज़ किया गया इट, तो यहाँ पर ये इट वॉज ब्यूटिफुल। इस द बेबी हैज़ ब्रोकन इट्स लेग, यहाँ जो इट्स यूज़ किया गया स्टूडेंट ये यूज़ किया गया आपका फॉर पजेसिव एडजेक्टिव, यानी ये अपना अधिकार दिखा रहा है। यहाँ बात कर रहे हैं कि जो बच्चा है उसने क्या है अपनी टांगें तोड़, किसकी टांगें तोड़ी है, खुद की टांगें तोड़ी है, तो ये क्या है स्टूडेंट आपका पजेसिव यानी एडजेक्टिव है, ये अपना अधिकार दिखा रहा है कि उस बच्चे ने अपनी आँखों मतलब जो उसके पैर हैं उनको उसने इंजर्ट कर लिया, उनको तोड़ लिया। नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट आपका इंजॉय प्राइड एब्सेंट प्रेजेंट इंट्रोड्यूस बिजी एबलेबल अप्लाई रिजन रिवेंस एवरेज एक्सर एडॉप रिकॉग्स वैल एव यूज वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज निश्चित रूप से करते हैं। स्टूडेंट अगर कहीं पर भी अगर आप ये वर्ब अगर आप यूज किए जाते हैं उनके साथ हम हिम सेल्फ हर सेल्फ योर सेल्फ योर सेल्फ देम सेल्फ इट सेल्फ, तो ये इनका हम यूज जरूर करते हैं इनके तुरंत बाद। जैसे यहाँ बताए ही इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, यहाँ पर वर्ड जो स्टूडेंट यूज़ किया गया है आपका माई सेल्फ, और माई सेल्फ किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया गया है आपका ही के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसका हिम सेल्फ हो जाए। अगर यहाँ लड़की होती मान लो यहाँ होता सी इंजॉयड हिम सेल्फ, सॉरी सी इंजॉयड, तो यहाँ हिम सेल्फ की जगह स्टूडेंट आपका हर सेल्फ हो जाता। अगर यहाँ होता दे इंजॉयड तो यहाँ पर आपका देम सेल्फ होता, तो इस तरीके से आपको सही हो जाएगा और स्टूडेंट ये आपका नीचे वाला रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ बताया मिस्टर स्वेन प्राइड हिमसेल्फ ऑन द रेड ऑफ हिज ब्रदर, यानी कि जो मिस्टर स्वेन ने उस पर क्या है बहुत ही सम्मान महसूस कर रहे हैं, हिमसेल्फ यहाँ यूज किया गया है रेल के सिरे अपने भाई के रेल टाने पर, तो ये आपका सही है स्टूडेंट्स। यहाँ बताया मिस्टर स्वेन प्राइड, तो यहाँ ये जो आपकी वर्ब दी गई स्टूडेंट मैंने भी आपको बताई थी, ये आपकी वर्ब जैसे इंजॉय प्राइड एब्सेंट प्रेजेंट इंट्रोड्यूस अप्लाई रीजन एवेंस एक्सिटेड ऑफ रिकॉग्नाइज एम्यूज, ये जो वर्ब होती हैं स्टूडेंट इनके बाद आपको जो आपके
रिफ्लेक्स जो आपके जो प्रोनाउन आपको उनका यूज़ करना, और यहाँ पर आपने यूज़ नहीं किया इसलिए आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ पर यूज़ किया इसलिए आपका सही हो जाएगा। लेकिन बताया गया है स्टूडेंट कि वॉक, टर्न, मूव, क्वालिटी, रेंट एंड ब्रोकन, और ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, शेव, कॉन्ट्रैक्ट, फील, हरी, इन वर्ब के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है स्टूडेंट। यहाँ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी, आपको इन वर्बों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है या इनके बाद हमें प्रोनाउंस का यूज़ नहीं करना है। तो जिनके पास यूज करना था वो मैंने इससे पहले बता चुका हूँ, इसमें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वॉच, टर्न, मूव, क्वालिटी, रेस्ट, ब्रोकन, ओपन, सेल, वॉश, ड्रेस, अनड्रेस, सो, कॉन्स्ट्रैक्ट, फील, हरी, ये वर्ब है, इनके बाद आपको रिफ्लेक्स प्रोनाउन का यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ बताया गया स्टूडेंट एग्जाम्पल में द डोर ओपन इट सेल्फ, तो यहाँ ओपन वर्ड यूज किया गया स्टूडेंट, और ओपन के बाद आपने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ का यूज कर लिया इसलिए आपका रॉन्ग हो जाएगा। द डोर ओपन ये आपका सही है, क्योंकि यहाँ ये जो वर्ड है ना आपका ओपन, ओपन जो मीनिंग यानी जो आपकी वर्ब है इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है इसलिए आपका ये सही है। यहाँ दस ही सेव्स हिमसेल्फ ऑन संडे, तो स्टूडेंट ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आपका ये जो वर्ड दिया गया है सेव की वगैरह की जगह, मान लीजिए आपकी वर्ड ये नहीं होती यहाँ पर रिकॉग्नाइज होता, तो मैंने आपकी जो मीनिंग पहले बताई है वो होता प्राइड होता, तो यहाँ ही प्राइड हिमसेल्फ ऑन द सन, तो यहाँ आप यूज़ कर लेते हिमसेल्फ, लेकिन यहाँ आपको ये मीनिंग दी गई यानी ये वर्ड दी गई है तो इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना नहीं होता इसलिए आपको गलत है, और इसमें हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया यानी इससे ऑन संडे, तो ये आपका स्टूडेंट सही हो जाएगा, ही सेव ऑन संडे। नेक्स्ट में बताया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं होता है स्टूडेंट। ये जो आपके जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन होते हैं इनका यूज हम एज सब्जेक्ट नहीं करते हैं, जैसे माई सेल्फ इज मिस्टर सुरेंद्र, तो ये क्या बता रहा है, ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। आई एम सुरेंद्र सिंह, तो ये आपका स्टूडेंट सही हो गया। यहाँ बताया गया विनय एंड योर सेल्फ आर फ्रेंड्स, ये ऐसे थोड़ी होता है विनय और मतलब योर सेल्फ तुम खुद के, आई डोंट नो पता नहीं क्या ये हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोलता है विनय एंड यू आर फ्रेंड्स, यानी कि विनय और तुम क्या हो दोस्तों, तो ये स्टूडेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपका 5 नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेत वाचक सर्वनाम, जिसका यूज जो स्टूडेंट जो हम करते हैं वो समीप के लिए यूज करते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति यानी एक व्यक्ति के लिए, यानी जो वन पर्सन एंड वन थिंग के लिए होता है, जबकि दिस का यूज मोर देन वन थिंग्स एंड पर्सन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो आज की क्लास का लास्ट रूल है आपका स्टूडेंट, दैट का यूज़ दूर की वस्तुओं या व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि दैट इज़ यूज फॉर फॉर पर्सन एंड थिंग, ये आपका फॉर सिंगुलर, एंड दिस का यूज़ हम एक से अधिक यानी मोर देन वन पर्सन एंड थिंग के लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट, यानी कि दैट इज़ ए बुक, दैट इज़ ए बुक, ये क्या है इसमें बता रहा है दूर की, बता रहा है कि यह मतलब ऐसे ऐसे साइन करके बता रहा है कि देखो वो जो किताब है वो क्या है, दिस इज दैट इज ए बुक, ये आपको बता रहा है दूर की वस्तु की वो वहाँ किताब है, ये 2000 लोग वो वहाँ पर स्टूडेंट, ये आपके इस तरीके से हम दैट का यूज़ सिंगुलर के लिए करते हैं और दोज का यूज़ प्लूरल के लिए करते हैं, ऐसे दिस का यूज़ हम सिंगुलर करते हैं, दोज का दिस का यूज़ प्लूरल के यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में यहीं तक था, इससे जो आपके रूल हैं जो भी आपके बचे हैं अभी प्रोनाउंस उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ इस वीडियो को आप फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप डेली कोई भी करंट अफेयर या डेली बुक ऐप ज़्यादा हिंदू अगर पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो आप, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.